दोस्तों आज मैं आपको कुफरी का और शिमला का अपडेट देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ और ट्रेवल एवरग्रीन पे भी आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको कुफरी का लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ और 9 फरवरी फ्राइडे के दिन का मैं अपडेट दे रहा हूँ आपको। पिछले एक हफ्ते में काफी स्नोफॉल हुई है शिमला और कुफरी में, उसमें कुफरी में ज्यादा हुई है, शिमला में तो लाइट स्नोफॉल हुई थी, लेकिन उसके बाद की सिचुएशन क्या है आज 9th को मैं आपको दिखाने वाला हूँ और यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो सब सारी चीज़ें हम वो देखेंगे। मौसम की भी बात करेंगे, वेदर की भी बात करेंगे और स्नोफॉल फिर कब हो सकता है नेक्स्ट उसकी भी मैं बात करना चाहूँगा इस वीडियो में। मैं सिचुएशन दिखाऊँगा आपको, कुफरी का सिचुएशन है क्या, करंट अभी कितना बर्फ है और क्या क्या एक्टिविटीज वगैरह हो रही हैं वो आप कर सकते हैं, यानी सारी बातें हम लोग करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं कुफरी में आपको लेके आ चुका हूँ, मेन कुफरी में। ये बाईपास वाला कुफरी का रोड है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये अभी भी काफ़ी स्नो यहाँ पे पड़ी हुई है। रास्ते बिल्कुल क्लियर हैं, रोड बिल्कुल क्लियर है, ये काफ़ी बर्फ है, काफ़ी स्नो है रोड के साइड में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये, और यहाँ से क्लियर व्यू आते हुए आज ये 9 फरवरी को फ्राइडे को काफ़ी ब्राइट सनी डे है। इतना सनी डे कि जितने भी ये एरिया जहाँ पे सन आते हैं वहाँ के सारे स्नो मेल्ट हो जाने हैं आज, और शेड में काफ़ी स्नो बच जाएंगे जो लगभग 15-20 दिनों तक आपको ये स्नो मिलने वाली है कुफरी में। राइट साइड में जितने भी बर्फ़ हैं यहाँ पे ये मेल्ट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे ये लाइट पहुँचती नहीं है सन की, और अभी भी देखिए रोड के ऊपर काफ़ी बर्फ़ है यहाँ पे। तो ये कुफरी का हम लोग ये राउंड लगा रहे हैं कुफरी बाईपास वाले रोड से, वहाँ से अभी फिर हम लोग मार्केट वाले रास्ते में भी चलेंगे ऊपर मार्केट में कुफरी के, और ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे 5-स्टार होटल है यहाँ पे। वैसे तो रास्ते काफ़ी ख़राब है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आप ठीक से चलाएं, ज़्यादा एक्सीलरेट ना करें गाड़ी को और ज़्यादा अगर आप ब्रेक ना लगाएं तो आप ड्राइव कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों यहाँ की अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो आज टेम्परेचर दिन का लगभग ये 2 बजे का मैं बता रहा हूँ आपको 8 डिग्री है और शाम को लगभग -2, क्योंकि मौसम जितना ही खुलता है उतना ही टेम्परेचर डिप होता है यहाँ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आसमान आप देख रहे हैं ये ब्लूइस कितने दिख रहे हैं बिल्कुल, तो ये आसमान आज ही साफ हुआ है यहाँ पे, तो रात में टेम्परेचर जितना आसमान साफ होता है उतना ही डिप जाता है नीचे की ओर। तो ये सब चीज़ें आती हैं अगर मौसम खुला हो तो, अगर क्लाउडी हो तो रात में टेम्परेचर इतना डिप नहीं जाता है। फिर हम लोग मार्केट वाले रास्ते पे आ गए और देखिए यहाँ पे काफ़ी बर्फ है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था आपको एक्टिविटीज़ के बारे में, तो एक्टिविटीज़ आपको 15-20 दिनों तक कुफरी की मिलती रहेगी, वो वीडियो मैंने आपके साथ कल शेयर किया था, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज वगैरह होती हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ें आप एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ वेदर की बात कर रहे थे हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म की, अब अगला स्नोफॉल कब होगा, तो अगला स्नोफॉल यहाँ पे अभी तो कोई होने वाला नहीं है, अब लगभग 10 दिनों तक बिल्कुल ही मौसम साफ दिखा रहा है, कोई स्नोफॉल की कोई चांसेस नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत बारिश वगैरह हो सकती है क्योंकि अब फरवरी का महीना आ गया तो फरवरी में गीली बर्फ़ होती है, और इस साल क्योंकि बर्फ़ बहुत कम हुई थी पहले भी तो अब होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन अभी 10 दिनों तक मौसम बिल्कुल साफ है तो कोई चांसेस नहीं है स्नोफॉल के, तो कोई चांसेस नहीं है। तो कुफरी में टूरिस्ट की अब बात कर लेते हैं रश की, तो क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है तो आज टूरिस्ट कम है, शाम को तो शिमला में काफ़ी टूरिस्ट भर जाएंगे, तो सैटरडे संडे फिर यहाँ पे ये गुलजार रहने वाला है कुफरी का, ये जगह कुफरी की वादियाँ, तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे सैटरडे संडे को। तो सैटरडे संडे को जब यहाँ पर आएंगे तो क्योंकि वीकेंड होता है उनकी छुट्टियां वगैरह भी होती हैं, तो यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे ध्यान से आना है दोस्तों, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे आएँ तो गाड़ियों को ठीक से ड्राइव करें। तो दोस्तों ये कुफरी मार्केट से जस्ट पहले लेफ्ट साइड में एक रास्ता जाता है चीनी बंगलों की ओर, तो मैं थोड़ा सा आपको कुफरी अब जो कुफरी का जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है पॉइंट टूरिस्ट के लिए वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो वहाँ पे हम ऊपर की ओर मुड़ गए हैं, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है अगर आप गाड़ी से जाएंगे तो, पैदल ट्रैक का मैंने आपको बहुत बार दिखाया भी है वो जगह, तो कैसे जा सकते हैं उस दिन कुफरी स्नोफॉल वाले वीडियो में भी मैं पैदल मैंने ट्रैक किया था, तो उस वाले में लगभग 20-25 मिनट लगते हैं जाने में, और वो जस्ट 1 किलोमीटर वो है ट्रैकिंग का रास्ता, तो
ये थोड़ा लंबा है जो गाड़ी का रास्ता है, ये कार का रास्ता, लेकिन कार से तो आप ऐसे ही जा सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ का व्यू लेते हैं इन रास्तों का कि ये वाले रास्ते कैसे हैं। वैसे तो स्टीप है और आप देखेंगे तो रोड के ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। ये देखिए इन रास्तों पे काफ़ी बर्फ है और चढ़ाई वगैरह भी है, स्टीप भी है, तो थोड़ी दिक्कत तो होती है। ये सामने आ गया रॉयल ट्यूलिप, ये यहाँ का एक 5-स्टार लग्जरी होटल है। ये हम लोग कुफरी, ये चढ़ाई वैसे तो काफ़ी बर्फ वगैरह है लेकिन फिर भी अगर आप ठीक से चढ़ाएं तो चढ़ जाएगी, क्योंकि रास्तों के ऊपर काफ़ी रेता बजरी डाल के गवर्नमेंट ने इसको फिट कर दिया है ड्राइविंग के लिए। सामने बड़े बड़े गड्ढे बर्फ के, तो ये देखिए कितना बर्फ पड़ा था चीनी बंगलों में। इन रास्तों से मैं उस समय आपको लेके ऊपर नहीं आया था, आज आप देख सकते हैं कितना स्नो हुआ था यहाँ पे। ये देखिए कितनी बर्फ पड़ी थी, पूरा ढेर लगा हुआ है बर्फ का यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी स्टीप चढ़ाई है बट यहाँ पे भी क्योंकि सनी एरिया है तो बर्फ मेल्ट हो गया है तो आराम से हम लोग ऊपर चढ़ चुके हैं, लेकिन ये दोनों ही साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। पाँच तारीख को दिन में हल्की सी बर्फबारी हुई थी, 4 के रात को काफ़ी हुई थी, तो अभी भी लगभग 5-6 दिन हो गए हैं, 9 तारीख है आज। इस टाइम पे भी देखिए ये कितना खूबसूरत यहाँ पे सामने ये बर्फ का पहाड़। यहाँ पे टूरिस्ट, ये देखिए ये भी वॉक करते हुए ऊपर के लिए, तो थोड़ा सा ये मुश्किल भी होता है ऊपर जाना क्योंकि काफ़ी कीचड़ होते हैं ये बर्फ वाले रास्ते पे, लेकिन खैर ट्रैकिंग का भी अपना मज़ा है। तो दोस्तों हमने मौसम की बात कर ली स्नोफॉल की, तो अगले 10 दिनों तक नहीं है। टेम्परेचर की बात कर ली तो अब थोड़ा टेम्परेचर अब अच्छे होने की उम्मीद है, दिन में लगभग 8 डिग्री और रात को -1 या -2 और ये टेम्परेचर रहने वाला है अगले 5-6 दिनों के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, बारिश भी नहीं है अगले 10 दिनों तक, तो थोड़ी सी ठंड भी शायद अब कम हो सकती है, 2-3 दिनों के बाद थोड़ी कम होनी हो जाएगी ठंड शुरू, अभी तो फिर भी काफ़ी ठंड है यहाँ पे। और उसके बाद टूरिस्ट की हमने बात कर ली, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ दिख रही है टूरिस्ट की, अभी भी भीड़ तो है लेकिन ये वीकेंड में लगभग डबल ट्रिपल यहाँ पर भीड़ हो जानी है, इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर टूरिस्ट मिलने वाले हैं वीकेंड्स में। कुफरी चीनी बंगलों के रास्ते पे यहाँ पे ये कुफरी रिजॉर्ट, ये भी एक अच्छा होटल है। चीनी बंगलों का जो मेन एरिया है कुफरी का, यहाँ पे देखिए ये चारों ओर ऑलमोस्ट बर्फ का जमावड़ा ही जमावड़ा है, देखिए ढेर कितने सारे हैं बर्फ के, यहाँ पे काफी स्नो है, तो लगभग यहाँ पे ये स्नो 15-20 दिनों तक मिलने की उम्मीद है अगर अगला स्नोफॉल ना भी हुआ तो। तो अभी हम लोग बिल्कुल कुफरी के मेन टूरिस्ट स्पॉट पे पहुंच गए हैं, मेन टूरिस्ट पॉइंट है ये कुफरी का चीनी बंगलों का ये एरिया, जहां से एक्चुअली में सालों भर हॉर्स राइडिंग वगैरह होती है इस जगह से कुफरी के, और यहां पे आपको सबसे ज़्यादा जमावड़ा मिलता है टूरिस्ट का, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहां पे होते हैं कुफरी में, क्योंकि यहीं सबसे एडवेंचर टूरिज्म और जितने भी पॉइंट्स हैं घूमने के और जिप लाइन या कुछ और भी जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ वगैरह करने हैं कुफरी में वो यहीं से करते हैं। तो ये कुफरी का चीनी बंगलों वाला एरिया है, ये जो सारा मैं एरिया आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ का एक छोटा सा मार्केट, थोड़े फास्ट फूड वगैरह भी ये सब आउटलेट्स वगैरह हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्नो काफ़ी है, रास्ते तो साफ कर दिए गए हैं, 5-6 दिन हो गए हैं स्नो फॉल हुए तो, लेकिन ये लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो काफ़ी बर्फ वगैरह है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुफरी में देखो ऊपर के साइड में चीनी बंगलों में आगे की ओर जाके भी जो मेन टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ से आगे जाने के बाद भी काफ़ी यहाँ पे टूरिस्ट मिल रहे हैं, और यहाँ से अब ये आने वाला है हिमालयन नेचर पार्क, यहाँ पे भी काफ़ी बर्फ
चारों ओर बोल सकते हैं बर्फ ही बर्फ है अभी भी, पूरा बर्फ से लकदक है वो अंदर के साइड, पूरा फुल स्नो, अनटच्ड वाइट स्नो, बिल्कुल साफ सुथरा। ये आ गया आगे से लेफ्ट साइड में, ये हिमालयन नेचर पार्क। यहाँ पे कुछ एनिमल्स मिल जाते हैं हमें, कुछ लेपर्ड वगैरह मिल जाते हैं देखने को, और कुछ बर्ड्स, कुछ स्नेक की वैरायटीज वगैरह मिल जाती हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने पे हमें मिलेगा यहाँ का टूरिस्ट मार्केट। मेन बाज़ार तो नीचे है, जब हम अभी वापस चलेंगे यहाँ से नीचे तो मेन बाज़ार हमें मिल जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ से जस्ट आगे ये देखिए पार्किंग वगैरह भी है यहाँ पे, और ये भी मुझे हाफ फुल लग रही है, आधी खाली लग रही है, आधी भरी हुई है, तो काफ़ी टूरिस्ट तो हैं लेकिन वीकेंड्स में ज़्यादा हो जाते हैं ऐसी जगहों पे। यहाँ पे देखिए टूरिस्ट पैदल और ये ट्रैक करके एंजॉय करते हुए। तो इस बार क्योंकि काफ़ी इंतज़ार के बाद स्नोफॉल हुआ था तो खैर ये एक्साइटमेंट टूरिस्ट में तो है ही, लोकल्स में भी है और होनी भी चाहिए। तो अब हम लोग आ गए हैं टूरिस्ट मार्केट है ये कुफरी का, ये यहाँ पे कुफरी एंड हो जाता है और ये सामने रहा लेफ्ट साइड में ललित कैफ़े। तो यहाँ पे शिमला समझौता भी हुआ था, यहाँ पे इंदिरा गांधी के टाइम पे इसी जगह पे इसी पार्क में। ये यहाँ का मेन टूरिस्ट पॉइंट है, मेन टूरिस्ट मार्केट है, यहाँ पे आप गिफ्ट के लिए बहुत सारे सामान वगैरह खरीद सकते हैं। तो अब यहाँ से हम चलते हैं नीचे की ओर, नीचे आपको मेन मार्केट में लेके चलते हैं और मार्केट का आपको मैं व्यू दिखाऊंगा और वहाँ से फिर हम लोग कुफरी से शिमला के लिए निकल जाएंगे। तो दोस्तों अब हम ऊपर से नीचे की ओर आ गए हैं कुफरी के चीनी बंगलों से और अभी आपको अब कुफरी मार्केट में लेके चलता हूँ। तो बर्फ तो यहाँ पे है ही रास्तों के ऊपर भी, और ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही साइड में बर्फ है यहाँ पे। तो कुफरी का मेन बाज़ार है मार्केट, ये वहाँ की भी हालत देखिए आप, 9 तारीख को ये फ्राइडे के दिन। यहाँ पे बैंक्स वगैरह भी हैं, कुछ होटल्स वगैरह भी हैं यहाँ पे इसी जगह पे कुफरी में। ये कुफरी का देखिए मेन मार्केट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ऊपर दिखाया था वो टूरिस्ट मार्केट था चीनी बंगलों में, यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर आप। तो मार्केट का जो रोड है ये काफ़ी कंजेस्टेड है, नैरो है, इसीलिए यहाँ पे बाईपास रोड बनाया गया था जिससे हम लोग इनिशियली आए थे स्टार्टिंग में और जहाँ से हम ऊपर गए थे ये, तो वो बाईपास रोड है मेन जो यहाँ पे लगभग 7-8 साल पहले बना था वो रास्ता, उसके पहले मेन रास्ता यही था। यहाँ तो काफ़ी बर्फ दिख रही है चारों ओर। तो आप वीकेंड्स पे आ सकते हैं, वीकेंड्स में भारी भीड़ मिलने वाली है टूरिस्ट की कुफरी में सैटरडे और संडे कल परसों। तब हम कुफरी मार्केट से लगभग बाहर की ओर आते हुए। तो दोस्तों मैंने आपको कुफरी का पूरा राउंड लगवा दिया है और यहाँ पे सिचुएशन क्या है स्नोफॉल के बाद की वो हम लोगों ने देख लिया, 5 दिन के बाद क्या सिचुएशन हो सकती है स्नोफॉल की। तो एक्टिविटीज सारे वगैरह हो रहे हैं, काफी टूरिस्ट यहाँ पे हैं और वीकेंड पे ज्यादा रश होने वाली है, हेवी रश, शिमला से ज्यादा यहाँ पे रश होने वाली है। और मौसम की जानकारी मैंने आपको दे दी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आप अच्छे से आए, सेफ रहे और खूब एंजॉय करें।